हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिया एंड एसके स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट से 1.3। 1.3 को डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम का हमारा पूरा सीरीज चल रहा था, उसको डिस्कस करेंगे आज की एक्सरसाइज में। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन का, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। देखिए, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट अ काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इज द हैज। देखिए, जो आपको जो एक्सप्रेशंस दिया है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है डेसिमल्स की, वो बताना है। और हमें पहले तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन इसकी कैटेगरी को बताना है। देख लीजिए, सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 36/100 है। क्या है? 36/100 है भाई। नोट हो, दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ इसे। तो अगेन 36/100 है। आपको करना ये है इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल तरीका ये इसका ये है कि 20 है यहाँ पर, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि ये इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये डेसिमल आ जाएगा। जब ये डेसिमल आएगा तो इस ऐसे डेसिमल जो ब्रेक हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये पहली जो कैटेगरी है वो रहेगी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। ओके, ये है। सेकंड क्वेश्चन आपके बराबर में ही है, सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। क्या है? 1/11 है। अब 1/11 को आपको करके देख लेना है। देखिए, 1/11 में क्या करना है, 11 का हमें डिवाइड देना है 1 में। सिंपल सा पॉइंट देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे आप, 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 11 का 10 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर भी एक 0 और यहाँ पर भी एक 0, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगेन आप देंगे 9 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 99। ओके, फिर से 1 बचेगा और वही स्टेप यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही स्टेप यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो जैसे ही वो स्टेप रिपीट होगा आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 99, अगेन वही स्टेप रिपीट होगा। देखिए, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 0 बढ़ाया, फिर एक और 0 बढ़ाया, तो वहाँ पर 0 लगा था, फिर मैं वही टर्म करूँगा 99, तो यहाँ पर भी मुझे वही टर्म मिलेगा। तो इस तरीके से चलता ही जाएगा। क्या? इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। तो ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड या रिकरिंग कह सकते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रहेगा। तो ये है, क्लियर? तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, दूसरा वाला। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे बिगाड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 राइट 1/8, ये वाला है आपका पहला क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। 8 4 जा 32 प्लस, यहाँ पर 1 करेंगे तो 33/8 हो जाएगा। जब 33/8 हो जाएगा तो 8 का डिवाइड हमें देना है 33 में। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ पर मैंने दिया तो 4 टाइम जाएगा, यहाँ पर गया 8 4 जा 32, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 2 यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या 8, और यहाँ पर बचेगा 2, 0 बढ़ाएंगे 2 टाइम जाएगा, कितना 16, 4 बचेगा, ठीक है। 4 बचने के बाद 0 जैसे बढ़ाएंगे तो 5 टाइम जाएगा और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 40, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका टर्मिनेटिंग। कौन सा? टर्मिनेटिंग। विशेष ध्यान रखिए, फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो किसी एक पैटर्न पर आकर स्टॉप हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो किसी भी पॉइंट पर आकर स्टॉप नहीं होते। और उनमें दो कैटेगरियाँ होती हैं, एक तो होता है रिपीटेड और एक होता है नॉन रिपीटेड, ठीक है। चलिए तो ये देख लेते हैं, ये रहा आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 3/13। ओके, 13 का डिवाइड देना है हमें 3 में। जैसे ही देखूंगा 3 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 टाइम जाएगा,
26 होगा, 4 बचेगा 0, 3 टाइम्स आएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 39, यहाँ पर 1 बचेगा, ओके यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 10 में 13 का नहीं जाएगा तो अगेन एक और 0 बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर देंगे कितने टाइम जाएगा देखिए 9 टाइम देखिए देखिए आप 9 टाइम यहाँ से आपने दिया 9 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कितना देना है 8 टाइम देके देखिए 8 टाइम में आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 83 जा, देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 जा 24 होता है, 2 कैरी और 8 वन जा 8 और 2 ज़्यादा हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो आप 7 टाइम दीजिए, देखिए 7 टाइम देंगे तो यहाँ पर जाएगा 73 जा 21 और 7 वन जा 7 यानी कि आपका 91 आएगा, कितना बचा यहाँ पर 9 बचा, ओके 9 बचेगा, फिर आपको करना यह है देखते चलिएगा क्वेश्चन के स्टेप्स को देखते चलिएगा क्योंकि बाद में आपको मिस्टेक ना हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि यहाँ 90 आ गया ओके, और यहाँ पर हमने कितने टाइम दिया 7 टाइम, यहाँ 9 बचा, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे 90 हो जाएगा, फिर से अगेन देखें यहाँ पर 7 टाइम दिया तो 91 हो रहा था, 6 टाइम देंगे ठीक है 6 टाइम देंगे तो यहाँ 8 और यहाँ पर 2 सॉरी 2 नहीं 18 होगा 1 कैरी एंड 6 7 आएगा यहाँ पर 78 होगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको 12 बच रहा है, क्या बच रहा है 12 बच रहा है, फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 बच रहा है, 0 लगाएंगे तो आपको कितना पहुँचा 120, जब 120 पहुँच जाएगा तो हमें 120 के नियर बाई लेना है, 120 के नियर बाई जब हम देंगे तो 90 का आप 9 टाइम देंगे, कितना 9 टाइम देंगे, 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कितना होगा 27, 2 कैरी और यहाँ पर 117, तो 117 यहाँ पर आएगा और फिर से 3 बचेगा आपका, क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर 9 टाइम आ गया, देखिए 3 बच गया, जैसे ही 3 बचेगा तो पहला वैल्यू आ जाएगा यानी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से अगेन रिपीट होने लग जाएगा, क्या फिर से यहाँ से वही स्टेप रिपीट होने लग जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, यानी कि आपका जो डेसिमल पॉइंट बनेगा वो ये रहेगा 230769 230769 और इसी तरीके से चलता जाएगा, तो आप इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं डेसिमल को, तो ये रहेगा आपका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसके ऊपर आप बार लगाकर भी आप इसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओके बेटा ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे, वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/11, क्या 2/11, 1/11 पहला क्वेश्चन प्रीवियस उसमें था, इसमें देखें 2/11 है, अब 2/11 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं किस तरीके से क्या आंसर आने वाला है 2/11 का, 2/11 को जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2/11 है क्वेश्चन का ठीक है, और क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है ठीक है 2/11, तो इसमें भी यही कैटेगरी को फॉलो करना है कि 11 का डिवाइड देना है 2 में ओके। देखिए यहाँ पर आपको करना ये है कि पॉइंट लगाना है, 0 बढ़ा लेना है, 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11, बचेगा क्या 9 ओके, यहाँ पर 0 बढ़ा लेना है तो यहाँ पर 8 टाइम जाएगा यानी कि 88, फिर क्या बचेगा 0 यानी 2 बचेगा ठीक है, जब 2 बचेगा तो यहाँ पर फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही हम 0 बढ़ाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 1 में देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा क्या 11, फिर से 9 बचेगा, इस तरीके से आप करेंगे तो ये अगेन रिपीट होता चला जाएगा, यानी इस तरीके से रिपीट होता जाएगा ठीक है, तो ये भी वही रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग और ठीक है रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, आंसर है आपका इसका डेसिमल का, डेसिमल आया आपका 0.18 और इसके ऊपर बार, ये आपका आंसर रहेगा ओके। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, पहले क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे,
उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, इरेज कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशंस 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट द एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड को छोड़कर हमें ये शॉर्ट तरीके से करना है, और उसमें जो यूज करना है वो 1/7 की वैल्यू को यूज करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। जो हमें 1/7 का वैल्यू जो दिया गया है उसे देख लेते हैं। वो है आपके पास 0.14 2857। ओके, डॉट डॉट डॉट, ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है 1/7 का वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है क्या 2/7। तो देख लेते हैं, इस 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 0.142857 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना ये है, इसकी वैल्यू को लिख देना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई एंड से करते लाइए और यहाँ तक इसे लिख दीजिए। यहाँ करेंगे तो 14 × 4, ठीक है, 1 कैरी, 10 11, यहाँ पर किया 16 और 17, यहाँ पर किया 4 और यहाँ 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, तो ये 0.0, यानी ये वैल्यू आपको आ गई। इसकी वैल्यू आ गई, इस वाले टर्म की वैल्यू आपको आ गई, यानी पहला क्वेश्चन इसमें से आपका हो चुका है। सेकंड जो वैल्यू है वो देख लेते हैं। सेकंड वैल्यू क्या है आपके सामने, सेकंड वैल्यू है 3/7। आपको करना है यहाँ पर यही है कि आपको 3 लिख देना है 2 की जगह पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7, क्या हो जाएगा 1/7, और वही अगेन फॉर्मेट वही है 0.14 2857 डॉट डॉट डॉट, और इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें कर देना है, ठीक है। लास्ट से करेंगे तो यहाँ पर होगा 21, 2 कैरी, यहाँ पर 15, 17, 1 कैरी, यहाँ पर 824, यानी कि 15, 2 कैरी 6, और यहाँ पर 8 हो जाएगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 4, यानी कि पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, यानी इस तरीके से ये आपका आंसर रहेगा। तो आपको इसी तरीके से सबकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 4 को बाहर रख लेना है, 1/7 कर देना है, फिर 5 को रख लेना है बाहर, और 7, यानी कि दोनों को, दो क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, बाकी आपको इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप बता दीजिएगा, या आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन तो आपको, देखिए, जिस बच्चे ने आर डी शर्मा को कर रखा है, क्या जिस बच्चे ने आर डी शर्मा को कर रखा है, उसे इन क्वेश्चनों में तो हेजिटेट होने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे इन क्वेश्चनों में हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, जिसने आर डी शर्मा को कर रखा है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर, है ना। तो क्यू, पी एंड क्यू, तो हमें देखिए इसकी वैल्यू को देख लेना है कि 1.6 के ऊपर बाहर दे रखा है, क्या क्वेश्चन, सॉरी 1. नहीं, वहाँ 0.6 के ऊपर बाहर है शायद, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से इसे किया जा सकता है। 0.6 के ऊपर बाहर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि डेसिमल से आप इंटीजर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी मैंने आपको लिखाया था। शॉर्ट मेथड तो ये है कि आप इस बार को हटाइए और इसके अपॉन में आप 9 लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। यानी कि आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, 6/9, यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिली, देखें 3 से गया, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, यानी कि ये आपका P/Q की फॉर्म आ गई। आप इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ बता दूँ मैं, 6/9, और इसे क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। बट इसे आप बुक के मेथड से कैसे कर पाएंगे ये देख लेते हैं।
ये देख लेते हैं एक बार बुक के मेथड से इसे कैसे कर पाएंगे। ये तो डायरेक्ट वैल्यू मैंने रखती थी, डायरेक्ट नहीं करना है आपको, बुक के मेथड से करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने 0.6 बार। ओके क्वेश्चन ये है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप लिख कैसे सकते हैं। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, 0.6666 इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके तो लेट इस वाली बात को मैं कह देता हूं एक्स, क्या थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कह दिया एक्स, और जब मैंने एक्स कह दिया इसे तो आप इसे लिख सकते हैं क्या। देखिए जब इतना वैल्यू हो गया तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को यहां लेना है। तो यहां लेने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर हो जाएगा 6.6666 इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, 10x यहां पर हो चुका था तो मैं इसे लिख सकता हूं 6 + 0.666 कुछ इस तरीके से। इस वाली पूरी वैल्यू को हमने x कह दिया था, इस वाली पूरी वैल्यू को हमने x कह दिया था, और जब मैंने इसे x को माइनस किया तो यहां 9x बचेगा 6, और x इज इक्वल टू 6/9 आएगा। क्या आएगा, 6/9 आएगा। और हम यहां कह सकते हैं कि 6/9 को, x इज इक्वल टू 6/9 को आप कह सकते हैं 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, यानी 2/3 कह सकते हैं, और यही आपकी P/Q की फॉर्म है, बट Q0 इज इक्वल टू इसमें 0 है। ओके यही कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट किया जा सकता है। आप एक और चीज़ समझ लीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू है जिनके ऊपर बार होता है, जिनके ऊपर बार होता है उनमें डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं, यानी कि बार को हटाइए, बार ब्रैकेट को हटाइए और इसके अपॉन में जो है 9 रख दीजिए, तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 0.47 है, यहाँ बार लगा हुआ है 47 के ऊपर, तो आपको करना ये है, देखें यहाँ पर 47 है, 0.47 है, 7 के ऊपर या 47 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको जब ऐसी कंडीशन मिलेगी तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 47/99, आप इस तरीके से इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिन्हें आप सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने बुक के मेथड से कराया था, अब मैं आपको डायरेक्टली लिखूंगा। देखिए आपका क्वेश्चन है 0.47 बार। ओके 0.47 बार यही क्वेश्चन आपका है, आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। देखें जब आप एक साइड देखेंगे तो इसका तो आंसर आपको मिलेगा 7/9, क्या मिलेगा, 7/9 मिल जाएगा। तो आपको इस पूरी वैल्यू को यहाँ लिखना है, x लिखा मान लीजिए, तो मैंने जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया 10x होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.7 बार, ये तो हो ही जाएगा ना। अब हमने इसे पहले ही बता चुके हैं कि आपको इसका जो वैल्यू मिलने वाला है, इसका जो वैल्यू मिलने वाला है इस पूरे का, वो आपको मिलेगा 7/9, क्या मिलेगा, 7/9। जब आपको ये कंडीशन मिल जाएगी तो 7/9 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा आंसर इसका, यहाँ पर होगा 36 में आप जब प्लस करेंगे तो 43/9 हो जाएगा। ओके 43/9, और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 43/90 आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, 43/90 इसका आंसर रहेगा। ओके कोई डाउट, नो डाउट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले में तो आप सिंपल सा सीधा सीधा कर दीजिएगा भाई, 0.001 के ऊपर बार दे रखा है, 3 0 के 2 0 1 2 0 1 इसके ऊपर बार दे रखा है, तो आपको करना यह है बार ब्रैकेट को हटाइए और 99 इसके नीचे रखते जाइए, तो देखिए कितना है 1 2 3, तो 1/9999 आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो डेसिमल दिया गया है उसे P/Q की फॉर्म में लिखना है। डिस्कस करने की क्या जरूरत है जब आपको ये पूरा अच्छे से आता है, डिस्कशन तो वहां की आता है जब हमें कोई वैल्यू नहीं आती है। ओके देख लेते हैं, 0.99999 और .. ये आपका क्वेश्चन है, तो सिंपल सी वैल्यू थी। अभी आपको बता के चला था मैं कि जब बार ब्रैकेट किसी के ऊपर आ रहा हो, यहाँ बार ब्रैकेट जिसके ऊपर आ रहा हो उस बार को हटाइए, बार ब्रैकेट को हटाइए और उसके अपॉन में 9 लिख दीजिए और 9 से 9 को काट दीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो 1 रहेगा, क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा भाई, 1 इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 रहेगा। देखिए ये मैंने इस वजह से कराया क्योंकि लॉन्ग मेथड में प्रीवियस क्वेश्चंस में और प्रीवियस एक्सरसाइज में कंप्लीटली क्लियर करा चुका हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
इस वाली एक्सरसाइज में शॉर्ट तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं हो आपको। इस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, देखिए व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू द चेक योर आंसर। देखिए इसमें आपको करना ये है सिंपली कि 1/17 में आपको डिवीजन से इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, देन उसके बाद बताना है कि कितने टर्म इसके रिपीट हो रहे हैं। भाई लंबा चला जाएगा, बहुत ही लंबा होगा, आप इसे डू योर सेल्फ करिएगा। लगभग मैं बता दूँ इसका 1/17 को जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो 17 वन यहाँ पर इस तरीके से होगा। आपको करना यह है कि यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट लगा लेना है, जीरो बढ़ा है, 10 में नहीं जाएगा तो एक और जीरो, यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करते जाना है, इसके नियर बाय देते जाना है पॉइंटों में, तो यहाँ पर जो नंबर आएंगे अप्रॉक्सीमेट 15 या 16 नंबर रिपीट होंगे, अप्रॉक्सीमेट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 15 या 16 नंबर आपके रिपीट होंगे जो आपको करना सेल्फ है। क्या करना सेल्फ है? अगर आप कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन का इमेज जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर भेज दूंगा, क्योंकि बोर्ड पर इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको करना यह है, लुक द सवाल फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू इंटीजर विद इन द कॉमन नो कॉमन फैक्टर। देखिए आपको इसमें ये बताना है कि कोई कॉमन फैक्टर वाला ना हो आपका डिनोमिनेटर, और उसके जरिए से आपको जो है रेशनलों की या रेशनलों की जो भी नंबर आते हैं वो देख लें डेसिमल्स कितने किस टाइप का आएगा। ओके देख लेते हैं, मान लीजिए 2 आपके पास है और 2 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका, देखिए प्राइम फैक्टर है, क्लियर। दूसरा अगर आप देखेंगे तो 5, इसके बाद आपका यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, ये 3 नंबर मैं ले लेता हूँ, ये प्राइम ही है तीनों। बट आपको यहाँ पर कंडीशन ये करके बतानी है कि कौन रिपीटेड है कौन नॉन रिपीटेड है। तो आपको करना ये होगा, वन टाइम आप करेंगे 1/2, वन टाइम आप करेंगे 1/3, वन टाइम आप करेंगे 1/5। देखिए तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, इनको आप कर लीजिएगा और अपने आंसर को लिख लीजिएगा, कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है वो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जो आपके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो आपको डिटेल लिख देनी है, बस आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखिए, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लिखने हैं। नॉन टर्मिनेटिंग देखिए आपको सिंपल सी मैं बता दूं कि √3 नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या √3 नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है वो आती है 1.43 कुछ इस तरीके से करके आती है ना। और आप इसे करना चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब इस तरीके से करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लिखना है 1 और यहाँ पर भी 1+1, आपको यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके जब देखिए यहाँ पर आपने ये लिखा 2 तो यहाँ पर कोई भी नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। तो आपको करना ही होगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 2 का यहाँ पर मैं 1 डालूंगा, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो अगेन एक और 0 लिखेंगे। इस तरीके से इसे करेंगे तो आपका जो √3 का जो वैल्यू होगा वो आपका जो है क्या रहेगा, डेसिमल रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहेगा, 1.43567 कुछ भी आ सकता है इस तरीके से। तो √3 की वैल्यू जो है इस तरीके से आती है, आप इसे कह सकते हैं कि √3 रहेगा आपका, क्या रहेगा, √3 रहेगा, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √3 है, एक √3 हो जाएगा, कितने क्वेश्चन इसमें बताना है, बाकी 2 आप सेल्फ ढूंढिएगा भाई, आपको इसमें 3 बताने हैं। क्या 3 बताने हैं? एक तो मैंने बता ही दिया आपको कि √3 होगा, अगेन आपको ये फाइंड आउट कर लेने, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रीवियस एक्सरसाइज में सारे करा दिए हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, अरे भाई देखिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन,
आपको एक ही बार में हो जाएगा। रेशनल नंबर के जो है आपको फाइंड आउट करने हैं इनके बीच के रेशनल नंबर। ओके देखिए, अच्छा सॉरी, रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको गिवेन है टू रेशनल नंबर। ओके देखिए, टू रेशनल नंबर को देखेंगे, 5/7 है, एंड यहां पर आप देखेंगे दूसरा है 9/11। ओके इस तरीके से है, तो आपको करना ये होगा, पहले आप इन नंबरों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 7 का 5 में देंगे तो आपको मिलेगा क्या, 7, तो 0.077 जा 49। ओके 1, तो यहाँ पर आएगा 0, तो 1, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर 3, 0, तो यहाँ पर आएगा 3, 4 आएगा, सॉरी 4, यहाँ 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 0, और यहाँ पर आएगा 2 टाइम, तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा 0, और यहाँ पर जाएगा आपका 5 टाइम, 5 बचेगा, तो कुछ इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.1425। ओके यहाँ पर अगेन मैं इस वाली वैल्यू को भी देख लेता हूँ, एंड दूसरी वाली वैल्यू को देखिए, एक वैल्यू तो आपको ये मिली, दूसरी वैल्यू यहाँ देख लेते हैं, 11 का डिवाइड देना है 9 में, जब आपने यहाँ पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम गया 88, 2 बचा 0, ठीक है, जीरो बढ़ाया तो यहाँ पर 1 टाइम गया, 11 हो गया, 9 बचा, फिर से वही कि यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 88, 2 बचेगा, फिर से वही, तो इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा, तो आपका ये दूसरा आएगा 0.81 81 81 81, और इस तरीके से चलता जाएगा। अब आपको इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबरों को निकाल लेना है, क्या कर लेना है, इरेशनल नंबरों को बता देना है। तो देखिए भाई, 7 है और 8 है, यानी कि 7 और 8 के बीच के इरेशनल नंबर ले लेने हैं, तो मैं यहाँ लेता हूँ 7, ठीक है, 7 2 0 1 4 3 0 1, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 1 4 0 0 2 0 1 4 0 0 0 2 0, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक ये हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 7 5 0 2 8 0 0, ठीक है, यहाँ पर फिर लिखेंगे अगेन 2 8 0 0 1 4, इस तरीके से दूसरा लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 78 लिख लीजिए, यानी कि इन दोनों के नंबरों के बीच के नंबर होने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई ये कहे कि ये जो है, क्योंकि देखिए एक स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि जो आंसर शीट में दे रखे हैं वो मैच करें, आप आंसर शीट से मैच नहीं करना है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि दो रेशनल नंबरों के बीच में मैनी नंबर होते हैं भाई, कितने होते हैं, दो रेशनल नंबरों के बीच में मैनी नंबर होते हैं, क्या मैनी नंबर होते हैं, तो उन मैनी नंबरों में से कोई 3 नंबर पूछ रहा भाई, अब जिसको जो बढ़िया लगेगा वो लिख लेगा, तो हमें ये बढ़िया लग रहा है तो हमने ये लिख लिए, आपको जो अच्छे लग रहे हैं वो आप ये वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्लासिफाई करने ये सारे के सारे नंबर, और ये मैं आपको देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज से कराता आ रहा हूँ कि डेसिमल टू इंटीजर में कन्वर्ट करना, या रेशनल नंबर, सॉरी इंटीजर नहीं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, आपको डेसिमल टू रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना बताता आ रहा हूँ, और आपको रेशनल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना बताते हैं। तो ये दो टाइप के ही आपके पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं के बेस पर आपका पूरा चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। देखिए रूट थ्री की बात कर रहा है, तो रूट ट्वेंटी थ्री है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए यहाँ पर रूट 23 है, 23 में आपको करना ये होता है कि सबसे पहले यहाँ एक ऐसा स्क्वायर देखना होता है, एक ऐसा स्क्वायर देखिए जिसका इसमें पूरी तरह से भाग चला जाए, या इसके नियर बाय में पहुँच जाए, क्या इसके नियर बाय में पहुँच जाए, या इसके नियर बाय में पहुँच जाए, तो यहाँ 2 3 है, तो देखें 4 से अगर मैं लेता हूँ, 4 अटेम्प्ट करता हूँ, तो 4 4 जा 16 होगा, क्या होगा, 16 होगा, यहाँ आपका क्या बचेगा, 4 3 7 बचेगा, प्लस यहाँ जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81। तो इस केस में आपको करना ये होगा, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखने के बाद यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ओके, 0 बढ़ेंगी 2, और फिर यहाँ पर आपको इसके अंदर कोई एक ऐसा नंबर डालना है जो इसके पास पहुँचा है। जैसे मैंने लिखा 88, ठीक है, कितना 88, तो आपको देख लेना है 8 8 जा 64, और 6 कैरी 8 8 जा 64, और 6 70, यानी 704 आ रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 7 टाइम लेना है, तो जब 87 × 7 कर देना है, 7 7 जा 49, 4 कैरी, और यहाँ पर होगा 56, और 56 और ये 6 60 हो गया, तो 609 आ जाएगा, कितने टाइम पर जाने पर, 7 टाइम जाने पर, तो प्लस कर देना है 7, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 14, और यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो बचेगा वो रहेगा आपका 91, क्या बचेगा 91। तो आपको इसे ऐसे ही आगे बढ़ाते जाना है, और यहाँ पर जो नंबर मिलेंगे वो नंबरों को आपको नोट कर देना है, वही आपका आंसर रहेगा, ओके बेटा, वही आपका आंसर रहेगा। अब देख लेते हैं, और वो जो भी आए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो मैंने आपको बता दिया, वो आपको लिख लेना है, नॉन टर्मिनेटिंग और या टर्मिनेटिंग जो भी आए वो लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे करते जाएंगे, मैं करने बैठूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा टोटली, आप करिएगा, नहीं आता है तो क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, आपको ये क्वेश्चंस को आसानी से कर लेना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कहेंगे तो मैं इन्हें पूरा पूरा करा दूंगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है पूरा पूरा कराने में। देखिए सिंपल सा है भाई, इसके फैक्टर जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर, देखिए 2 2 5, तो नियर बाई में देखें पहले पेयर बनाएंगे, लास्ट से पेयर बनाया आपने, तो ये 1 बचा तो 1 से देंगे, यहाँ पर आएगा 1 + 1, और यहाँ पर 1, तो 1 बचा आपका, क्या बचा 1 और 2, 5 पेयर उतार लिया, तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर देंगे 5 से, क्या आएगा 5 से, तो यहाँ 5, और ये हो गया 125, तो यानी कि आपका 15 आंसर रहेगा, क्या रहेगा 15 रहेगा। अब भाई 15 कैसी वैल्यू है, रेशनल है, क्या है रेशनल है, इस तरीके से क्वेश्चनों को बताना है, रेशनल है या इरेशनल है, और इरेशनल है तो कौन से टर्म पर है वो बता देना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने है, जो क्वेश्चन वो है 0.0.3796, तो आप इसे लिख सकते हैं 3796/1 2 3 4, और ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और जो इसे क्रॉस कर लीजिएगा किसी एक कॉमन नंबर से वही आपका आंसर होगा, ओके। तो बाकी के दो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, बाकी के दो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, और मुझे बताना है कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है या ये क्वेश्चन हम पे नहीं आ रहा है, फिर हम देखेंगे आगे आपको किस तरीके से उन्हें बताना है या किस तरीके से उन्हें करना है। सिंगल देखिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम करेंगे ये कि एक वे उसके ऊपर एक 5 मिनट का या 6 मिनट का एक कोई वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बट उसके लिए आपको सारे क्वेश्चनों को रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करने के बाद मुझे फीडबैक देना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देन मैं उसका आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन।